नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्षेत्रफल एवं परिमाप। इसके पहले हम लोगों ने ज्यामिति में 2D फिगर मतलब 2D फिगर में हम लोग त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के बारे में जाना है, समझा है कि कौन सा फिगर कैसा होता है। लेकिन आज हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप की बात करने वाले हैं, उसमें अभी शुरुआत करने वाले हैं त्रिभुज की। किसकी? त्रिभुज की। तो देखिएगा, त्रिभुज की अगर मैं बात करूँ, त्रिभुज क्या उनसे आकृति होती है, कितने टाइप की होती है, ये सारा चीज हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है, पहले ही। अब देखिए, जैसे एक त्रिभुज है, इसके परिमाप की अगर मैं बात करता हूँ, तो त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, अगर उसके हम परिमाप की बात करते हैं, तो त्रिभुज के तीनों जो भुजाएं होती हैं उनका योग ही क्या कहलाता है? त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। ओके, अगर मैं बात करता हूँ, देखिए, जैसे मान लीजिए त्रिभुज हमने ले लिया, अब इसकी बी से सी तक लंबाई ए है, ए से सी तक की लंबाई मान लो हमने बी दे दिया, और ए से बी तक की लंबाई हमने कितना ले लिया? सी। तो इसके परिमाप की अगर मैं बात करता हूं, तो परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप किसका? परिमाप ए बी सी, ए त्रिभुज ए बी सी, तो बताइए कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। मतलब अगर हमारी एक साइड दे दिया 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो बताओ इसका परिमाप कितना होगा, बोलिए। तब इसका परिमाप हो जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 7, बताओ कितना होगा? 7 5 12 6 18। क्लियर? तो परिमाप समझ में आया, त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, अगर उसके परिमाप की अगर हम बात करते हैं, तो परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है। समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो, अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होते हैं और उनके क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका होता है ना, वो भी अलग अलग होता है। कैसे? जैसे कि देखो, पहला अगर हम त्रिभुज की बात करते, इसी त्रिभुज की बात करते, तो इस त्रिभुज में हमने क्या देखा कि सारी भुजाएं क्या है? अलग अलग है। सारी भुजाएं क्या है? अलग अलग है। एक दूसरे अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं, तो देखिए, पहले हम उसी त्रिभुज की बात करते हैं। मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बनाया, क्या इसका नाम हमने दे दिया PQR, क्या नाम दे दिया? PQR। इसमें हमने एक ऊंचाई भी इसके दे दिया जो परपेंडिकुलर गिर रही है किसी तीसरी भुजा पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये गिर रही किस पे? QR पे। अब बात समझिएगा, अगर हमको ये ऊंचाई दी है, मान लो h दे दिया, और ये बेस हमको दे दिया कितना, कुछ भी मान लो, आप a मान लो, b मान लो, a ही मान लेते हैं, तब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? देखिए, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 × आधार और गुणे ऊंचाई। क्लियर? 1/2 × आधार × ऊंचाई। मतलब अगर मैं इसमें रखूं, तो 1/2 आधार की जगह कितना a, गुणे ऊंचाई कितनी है h, ठीक है। तो एक फार्मूला तो हमारा ये हो जाता है कि अगर किसी त्रिभुज में जो है, अगर हमें लंबाई दी हुई है, मतलब उसकी ऊंचाई दी हुई है, और कोई भी एक बेस दिया हुआ है, तो उसके क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका होता है वो होता है 1/2 × आधार × ऊंचाई। क्लियर? दूसरे टाइप का त्रिभुज हमारा ऐसा त्रिभुज बनता है जिसमें केवल तीनों भुजाएं दी होती हैं। क्या दी होती है? तीनों भुजाएं। अब जैसे देखिए, इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, तो ये जो त्रिभुज है, इसमें देखिए ए बी और सी अलग अलग हमारी क्या दी हुई है? भुजाएं दी हुई हैं। इसमें कोई लंबाई तो हमको दी नहीं हुई है, ऊंचाई मतलब नहीं दी हुआ है, तो हम कैसे इसके क्षेत्रफल निकालेंगे? तो इसका देखिए अलग फार्मूला होता है। कैसे? सबसे पहले इसके पेरीमीटर का हाफ निकालते हैं, मतलब परिमाप का आधा करते हैं, और जो परिमाप का आधा करने को हम लिखते हैं ना, उसको हम यस से डिनोट करते हैं। किससे? यस से। किससे? यस से। अब यस बराबर क्या होता है? तीनों साइडों का योग बटा दो। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी बटा कितना? दो। ये क्या निकल गया? यस। जब यस निकल जाता है, तब इस त्रिभुज के एरिया के निकालने के लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हीरोन का फार्मूला। क्या बोलते हैं? हीरोन का फार्मूला। ध्यान से सुनना वो क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √s s - a s - b और s - c। ध्यान सुनिएगा, इन सभी के बीच क्या है? आपस में मल्टीप्लाई का साइन है। कैसा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन। अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए इसी त्रिभुज के लेते, हमने लंबाई है देखिए 5 सेंटीमीटर मान लिया, 6 सेंटीमीटर मान लिया, और 7 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। तब इसका हमें क्या निकालना है? मान लीजिए क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या बोला? यस निकालना है। अब बताओ यस बराबर हमारा कितना दे दिया?
यस बराबर में हम क्या करते हैं, तीनों भुजाओं को ऐड करते हैं, बटा दो करते हैं, तो तीनों भुजाएं कितने होंगे, 5 प्लस 6 और प्लस 7 बटा कितना 2, बोलो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 12 6 18, 18 का 2 से डिवाइड कर दो, बताओ कितना आएगा 9, यस निकल गया ना, यस कितना आया 9। अब क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो देखिएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट, हमने क्या बोला था, यस, यस की जगह कितना रखना है 9 गुणे फिर यस की जगह कितना 9 माइनस ए, ये मतलब कोई भी एक भुजा मान लो, जरूरी नहीं कि 5 को ही मानो या 6 को मान लो, 7 जिसको भी आप ये मानना चाहिए मान लो, किसी को बी मान लो, किसी को भी सी मान लो, ठीक है। देखो एक जगह मान लो हमने 5 माना, तो 5 गुणे फिर देखो 9 मतलब यस माइनस बी, बी मतलब कितना 6 मान लो, ठीक है, और फिर 9 माइनस 7 ओके यस माइनस सी, तो देखो यह आया हमारा कितना 9 मल्टीप्लाई में इसको माइनस करोगे 9 में से 5 माइनस करो कितना आएगा 4, 9 में 6 माइनस करो कितना आएगा 3, और 9 में 7 माइनस करोगे आएगा 2। अब देखो 9 और 4 अगर मैं बात करूं, 9 और 4 ये क्या होते हैं, स्क्वायर रूट होते हैं किसके, देखो 9 जो होता है ये देखो ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, मैं थोड़ा इधर मान लीजिए नीचे ना दिखाई दे इसलिए हम इधर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए कि लिखा है हमारा कितना 9 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। देखिए 9 और 4 दोनों स्क्वायर होते हैं किसके, 9 होता है 3 का तो 3 बाहर इसमें से निकल जाएगा, 4 होता है 2 का स्क्वायर तो 2 बाहर निकल जाएगा, और बचेगा क्या अंदर 3 गुणे 2 मतलब कितना आएगा 6 रूट 6 सेंटीमीटर हमने अगर लिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, जरूरी नहीं कि ट्रायंगल किसी भी टाइप के फिगर का, अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के बाद जो यूनिट लिखी जाती है वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और किलोमीटर हो तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, तो इतनी बात समझ में आती है। अब देखिए इस टाइप के ट्रायंगल में जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है, तीनों भुजाएं क्या हैं दी हुई होती हैं, अलग अलग हो या कोई दो भुजा बराबर हो या तीनों भुजाएं बराबर हो, सभी में ये फार्मूला हम अपना हीरोन का फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो भुजाएं जैसे बराबर हुई या तीन भुजाएं बराबर हुई तो उसका हम डायरेक्टली भी फार्मूला क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है हमारा इसको इसमें लिखने में समय जो चला जाता है समय नहीं जाता उसमें, कैसे, जैसे देखिए इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, अभी हमने निकाला आपको कि मान लीजिए हमारा त्रिभुज दिया हुआ है ABC और इसकी अलग अलग हमको भुजाएं दे दिया है, मतलब तीनों साइडें पता है, ऊंचाई ऊंचाई पता नहीं है, तो इसमें हमने एक फार्मूला पहले से यस निकाला ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू किया, फिर इसमें ही रोज फार्मूला लिखा लिख दिया क्या ABC ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल बराबर हमने लिख दिया अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, देखिए ऐसा त्रिभुज की हम बात करेंगे जिसमें भुजाएं तो हमको दी रहेंगी लेकिन उनमें से कोई भी दो भुजा क्या होगी बराबर होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज ABC। अगर आपने हमारा जो पीछे हमने जितने भी 2D फिगर बनाया है उसमें आप एक बार देख लीजिएगा, तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा त्रिभुज से रिलेटेड या चतुर्भुज से रिलेटेड या वृत्त से रिलेटेड कि क्या होती है किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो इससे पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। इसमें हम क्या देख रहे हैं क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो आज तो हम ट्रायंगल के बारे में बता रहे हैं, कल जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम चतुर्भुज के एरिया और परिमाप के बारे में बात करेंगे, फिर वृत्त के एरिया और परिमाप की बात करेंगे, और फिर हम आपको इन सारे का क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है, सभी के सभी जितने भी टाइप के इससे क्वेश्चन रिलेटेड बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व कराएंगे। तो देखिए इसमें जैसे अब देखिए इसे मान लीजिए कि ये साइड हमारी ए हो गई, ये क्या है बी है और ये क्या है बी है, देखो तीनों भुजाएं ही दी हुई हैं लेकिन इनमें क्या हो गया कि कोई दो भुजा क्या कर दिया बराबर कर दिया, तो इसको हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं क्या हो बराबर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, हम इसमें रख के इस वाले फार्मूले में रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, लेकिन जब तक इसमें रखेंगे बहुत सारा समय हमारा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा चला जाएगा, तो हमें क्या मतलब है, तो इसलिए क्या करते हैं कि आधा प्रोसेस हम इसमें रख के इसको सॉल्व करके एक फार्मूला तैयार कर लेते हैं। फार्मूला बोलते हैं एक तो फार्मूला नहीं होता बल्कि क्या होता है एक सॉल्व किया हुआ रूप होता है जिसको हम बाद में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है देखिए, अगर मान लीजिए जैसे ये हमारा दिया हुआ है त्रिभुज, ठीक है, जिसमें दो भुजाएं क्या है बराबर है, तो इसका अगर क्षेत्रफल डायरेक्टली निकालना हो तो देखिएगा त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है का क्षेत्रफल
मैं अगर इसके क्षेत्रफल की बात कर दूं, ध्यान दीजिएगा क्या होगा। देखिए जो भुजाएं बराबर होंगी और जो अलग होगी, तो जो अलग होगी उसको हम बाहर निकालेंगे, a बाई फोर करेंगे, और अंडर रूट जो बराबर होगी तो फोर बी स्क्वायर और माइनस के साथ ए स्क्वायर, ये होता है। मान लीजिए इसी में हम क्या कर देते हैं, देखिए छोटा सा फिगर बनाऊंगा मैं, कि मान लीजिए हमने एक फिगर बनाया ऐसे, और इसमें हमने ए बी सी, इसमें हमने क्या कर दिया, ए ए कर दिया और इसको कर दिया बी, तब क्षेत्रफल क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना, जहां पर ए है वहां पर क्या कर देंगे बी, ठीक है, और जहां पर बी है वहां पर क्या कर देंगे ए। ओके क्लियर, समझ में आ गई बात, कोई डाउट? ठीक है, ये तो हो गए समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर ली हमने। अब तीसरा जो हमारा फिगर है वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब देखिए भुजाएं ही होंगी, लेकिन इसमें क्या होता है ए बी सी हमने माना, इसमें सभी भुजाएं क्या होती है समबाहु त्रिभुज में, सभी भुजाएं सेम होती हैं। तो देखिए ये इसी प्रकार का त्रिभुज है, लेकिन इसमें सभी भुजाएं क्या हैं बराबर हैं, तब इसका भी हम क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसमें रख के हम आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, इसके लिए भी हमने बताया ना कि आगे हम आधा किया हुआ चीजें क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा समबाहु त्रिभुज मतलब ये मान लीजिए त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिए क्या होता है, ये होता है अंडर रूट थ्री बाई फोर और इंटू ये जो भुजा दी हुई ना, भुजा का स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है भुजा का स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं जैसे अंडर रूट थ्री बाई फोर, इसमें हमने ए माना ना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने कैसे बताया आपको, पहले हमने ऐसे त्रिभुज के बारे में चर्चा किया जिसमें क्या दिया था, ऊंचाई दी हुई थी और कोई एक बेस दिया था, तो उसके लिए हमने क्या लिया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया एक बटा दो गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब हमने दूसरे टाइप के त्रिभुज की हमने बात किया, जिसमें क्या हमने बात किया कि हमने ये बात किया कि अगर कोई त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं दी हुई हैं, क्या दी हुई हैं सभी भुजाएं दी हुई, तब उसके क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो उसके क्षेत्रफल के निकालने का तरीका हमने हीरोन फार्मूला बताया, फिर जिसमें भुजाएं दी होती हैं भुजाओं में अलग अलग टाइप्स हमने बताया, जैसे किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या है अलग अलग, तो उसमें तो यही फार्मूला लगा देंगे, लेकिन अगर कोई दो भुजाएं क्या हो गई बराबर हो गई, जिसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, तो उसके लिए फार्मूला ये होता है। और अगर मान लीजिए सभी भुजाएं बराबर, जिसको समबाहु त्रिभुज हम बोलते हैं, तो उसका फार्मूला ये होता है। बाकी अगर मान लीजिए आपको याद ना हो, अगर आपको याद ना हो तो आप इसमें रख के आराम सॉल्व कर सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक फार्मूला और होता है, एक फार्मूला और होता है, जान लीजिएगा थोड़ा सा, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वैसे इसमें नहीं बताया जाता लेकिन फिर भी हम बता रहे ताकि कोई छूटे ना, किसी भी प्रकार का अगर एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है त्रिभुज के तो आप बिल्कुल भी गलत ना करें। तो मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, तब यहाँ पर एक फार्मूला हो जाता है एक बटा दो गुणे, मान लीजिए कितना है ए है, ये कितना है बी है, ठीक है, और ये कितना है सी है, तो हो जाता है एक बटा दो गुणे ए बी साइन थीटा, या साइन सी भी कर सकते हो, साइन थीटा कर दो या साइन सी, कोई भी एक एंगल। ओके, अगर हम लोग ए बी लेंगे तो क्या लिखेंगे साइन सी, अगर हम लोग क्या करेंगे मान लो बी सी लिए तो क्या लिखेंगे साइन ए, और अगर हमने सी ए ले लिया, सी सी और ए, तो क्या करेंगे यहाँ पर बी ले लेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आती है। तो हमने त्रिभुज का सारा चीज़ हमने कंटेंट अपना क्या कर दिया, आपको बताया और समझाया। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में हमको कमेंट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं, और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।